की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। पूजा में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बहनें पूरी तरह से सचेत रहती हैं। हर एक विधान का वो नियम पूर्वक पालन करती हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे आमतौर पर लोग अनजान हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये बातें पूजा की शुभता में चार चांद लगा सकते हैं। ज्योतिषों की माने तो राशि के मुताबिक बहन के वस्त्र का रंग भी इस त्योहार में खास महत्व रखता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस राशि के जातक की बहन तिलक के दौरान किस रंग का वस्त्र पहने और अपने भाई को किस रंग का तिलक करे। अगर हम बात करते हैं मेष राशि को लेकर के, मेष राशि की जो बहन है लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। तिलक के लिए मैंने पहले बता दिया है भाई, तिलक पीला और लाल दो ही भगवान आदि भगवान विष्णु और आदि शक्ति के स्वरूप को मिला करके ही तिलक करना चाहिए। तो लाल और पीला दो ही रंग का तिलक हो सकता है, दोनों को मिक्स करके एक साथ करना चाहिए। केसर तिलक में जरूर डालना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। अब लाल रंग के वस्त्र मेष राशि की बहन को धारण करना चाहिए और प्रयास करें, अगर मेष ही भाई का भी है तो लाल रंग के ही वस्त्र दोनों धारण करके तिलक करें, एक दूसरे को उपहार दें और जो उपहार दें वो भी कुछ लाल रंग में पैक हो या कुछ भी हो, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। वृष रंग के लोगों को क्रीम कलर के वस्त्र को धारण करना चाहिए, क्रीम कलर का वस्त्र धारण करके और गंगा जल पान करके फिर भाई को तिलक करना चाहिए, इस प्रकार का नियम है। और भाई जो उपहार इत्यादि दे उसमें अगर कोई चांदी की वस्तु हो सकती है तो बहुत ही सुंदर होगा। मिथुन राशि की जो बहनें हैं हरे रंग का वस्त्र धारण करें, बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। भाई भी अगर मिथुन का है तो उनको भी उसी प्रकार के वस्त्र को धारण करना चाहिए, भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। लेकिन पंडित जी ये भी कहा जाता है कि बिना कुछ खाए पिए खाली पेट ही तिलक करना चाहिए। गंगा जल तो जैसे पूजा कहा जाता है ना कि पूजा आप बिना कुछ खाए पिए करते हैं, लेकिन पूजा में बैठने से पहले आपको आचमन कराया जाता है, राइट? तो गंगा जल पीने से आप ऐसा नहीं है कि आपका व्रत भंग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा जो वेद विरुद्ध हो, आप चिंता मत कीजिए। जी, अन्य राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जी, कर्क सिंह और तुला के बारे, कर्क सिंह और कन्या के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। सो कर्क राशि के जो जातक जातिका हैं, आपको विशेष रूप से पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए, पीले वस्त्र को धारण करके और खास करके ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कर्क राशि के लिए, सर पे चुन्नी या कोई वस्त्र लेकर के ही आपको तिलक करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी गिफ्ट इत्यादि दे रहे हैं भाई, उसमें अगर वस्त्र हो तो बहुत फायदेमंद होगा। सिंह राशि के लिए क्या करेंगे, लाल रंग का वस्त्र धारण करना है, लाल या गुलाबी आप प्रयोग कर सकते हैं, वस्त्र का सुंदर वस्त्र को धारण करना है और उसके साथ कोशिश करना है कि पीले चावल या रंगे हुए चावल, तिलक करने के बाद रंगे हुए चावल भाई के मस्तक पर लगाएंगे, ये बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। और भाई को क्या करना है, भाई को भी कोई सुंदर उपहार, इस प्रकार का जो उपहार स्वर्ण इत्यादि का अगर हो तो दे सकते हैं, नहीं भी हो तो कोई धातु का उपहार बहन को दिया जाएगा, बड़ा फायदेमंद होगा। कन्या राशि के लोग क्या करेंगे, कन्या राशि के जातक जातिका को हरे या नीले रंग का वस्त्र धारण करके और तिलक करना चाहिए। विशेष ध्यान यह रखना चाहिए कि अगर संभव हो पाए तो सुबह जल्दी तिलक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि के लिए जो मॉर्निंग का समय होता है वो बड़ा फायदेमंद होता है, 10 बजे से पहले अगर प्रयास कर सकें तो बहुत सुंदर होगा। और गाय को स्मरण, गाय को चारा इत्यादि उस दिन खिलाएंगे अगर भाई बहन, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी प्रदीप जी, आचार्य जी आगे बढ़ते हुए अब तुला राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि और साथ ही धनु राशि के बारे में भी बताइएगा कि किस तरीके से उनको पूजा करनी चाहिए। जी, तुला राशि के लिए क्या करना है, आदि शक्ति की सबसे पसंदीदा राशि है और आदि शक्ति का स्मरण करते हुए जब बहन तिलक करने जाएंगी तो ऐसे परिस्थिति में वस्त्र जो पहना जा सकता है, क्रीम कलर का वस्त्र पहना जा सकता है या लाल वस्त्र, यहाँ पर भी बहुत लाभप्रद होगा। और आदि शक्ति का स्मरण, दुर्गा जी के किसी भी सुंदर स्वरूप का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करते हुए कि हे माँ मेरे भाई के जीवन की रक्षा आप करें, आपका आशीर्वाद बना रहे, इस प्रकार का स्मरण करते हुए सुंदर लाल रंग से तिलक किया जाए। और अगर पुष्प का हार ले पाए, लाल पुष्प का हार लेकर के आए और भाई को ये उपहार के स्वरूप में प्रदान करें या उसके गले में प्रदान करें, गले में डालें, तो ये बहुत ही लाभप्रद होगा आपके लिए। और खास करके वस्त्र उपहार में अगर प्रदान करता है भाई बहन को, ये बहुत सुंदर होगा। बाकी जो भी आपकी इच्छा है वो आप दे सकते हैं।
बात करेंगे साथ में वृश्चिक राशि को लेकर के। जल तत्व राशि है, मंगल कृत ये राशि है। आपको जो मिष्ठान सबसे पसंद हो, भाई के लिए बता रहा हूं, जो मिष्ठान सबसे पसंद हो वो मिष्ठान जाकर के बहन को प्रदान करना चाहिए। बहन जो वस्त्र धारण करे तिलक करते वक्त वो बैगनी होना चाहिए, बैगनी कलर का जो वस्त्र है उसको धारण करके और तिलक करे। तिलक करते वक्त विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का स्मरण करे तो निश्चित रूप से ये बहुत लाभप्रद होगा। बात करेंगे धनु को लेकर के। काल पुरुष की नवे अंग की राशि, बृहस्पति की राशि, भगवान विष्णु की सबसे प्रिय राशि, पीले रंग का सुंदर वस्त्र बहन को धारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का सुंदर पहले 5 बार स्मरण करना चाहिए और फिर भाई को केसर बिना डाले तिलक आपको नहीं करना, यह ध्यान रखिएगा। केसर युक्त तिलक भाई को सुंदर तरीके से करना चाहिए। भाई झुककर श्रद्धा से प्रणाम करें और भाई को भी पीले वस्त्र जरूर धारण करना है। जी प्रगति जी, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की बहनों को भी जरा बताइए कैसे इस बार उनको ध्यान रखने की जरूरत है। जो स्पेशली अगर हम बात करते हैं मकर को लेकर के, काल पुरुष के 10वें अंक की राशि है, तो बहन को क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, नीले वस्त्रों का प्रयोग करके, नीले वस्त्र जरूर प्रयोग होने चाहिए। अच्छा, कई जगह कहा जाता है कि काले वस्त्र जनरली ऐसे शुभ कार्यों के अंतर्गत हमारे यहां वर्जित किए जाते हैं। विदेशों के अंतर्गत अगर काले वस्त्रों को बात किया जाए तो रॉयल कलर के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। मेरे दृष्टि से भगवान कृष्ण इसीलिए अपना स्वरूप इस प्रकार का बनाया था, किसी वस्त्र से हमारा द्वेष ना हो, किसी रंग से हमारा द्वेष ना हो। सो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत अगर तांबे की कोई थाली हो, तांबे का कोई बर्तन हो और तांबे की बर्तन में तिलक की सारी सामग्रियों को लिया जाए, नीले वस्त्र को बहन धारण करे और तांबे के पात्र में रख करके और सुंदर अगर बहन तिलक करती है तो ये बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। साथ में अगर भाई मकर राशि का है तो उसको तिल मिश्रित जल से सुबह स्नान कराना चाहिए, करना चाहिए तिलक कराने से पहले, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। कुंभ राशि कालचक्र के एकादश भाव की राशि, बहन को क्या करना है, बहन को ग्रे कलर का वस्त्र धारण करना है या फिर जो हल्का लाल रंग होता है उस प्रकार का, हल्का जो लाल है उस वस्त्र को धारण करके और भाई को सुंदर तिलक करना चाहिए और तिलक करने के बाद चावल को हल्दी में रंग करके और फिर उससे सुंदर तरीके से चावल को मस्तक पर लगाना चाहिए, ये विशेष प्रयोग करना चाहिए। भाई को क्या करना है, जो मिष्ठान इत्यादि आपके प्रिय हो वो मिष्ठान इत्यादि बहन को दें, दक्षिणा जरूर प्रदान करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और अकाउंट पे नहीं करना चाहिए, कैश दक्षिणा जरूर देना चाहिए, कुछ द्रव्य देने का नियम है। ये काल पुरुष के 11वें भाव की राशि है। मीन राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, बृहस्पति कृत राशि है, कालचक्र की अंतिम राशि है, द्वादश भाव की राशि है, विष्णु जी का स्मरण करते हुए, गायत्री मंत्र का सुंदर जप करते हुए, पीले रंग के सुंदर वस्त्रों को धारण करके बहन भाई को सुंदर तरीके से तिलक करे। तिलक करते वक्त बहन को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पैरों में पायल जरूर धारण करें, अगर विवाहित हैं तो बिछुआ इत्यादि श्रद्धा पूर्वक जरूर धारण करें, अपने पूरे श्रृंगार को करके फिर भाई को तिलक करें। ये मीन राशि के लिए विशेष रूप से इस प्रक्रिया को पालन करना चाहिए। तो ये सुना आपने कि किस तरह से राशि के मुताबिक बहनें पूजा करके अपने भाई की खुशहाली का दरवाजा खोल सकती हैं, उसकी जिंदगी सवार सकती हैं। भाई बहन के इस त्योहार पर आपको और आपके परिवार को न्यूज नेशन और न्यूज स्तुति की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।